नहीं खड़ा नहीं होना मैडम, चौहान मैडम normal. Here we have a majestic liftoff of LTM-3 M4 rocket carrying India's prestigious Chandrayaan 3 spacecraft. P2 tracking. Prajwalan aur safaltapoorn utthapan LTM-3 M4 rocket ka. Yah bheemkay rocket aasman ko cheerte hue apni bhayan dahar se charo or That's a piece of really good news that the third stage has started its operation. The C-25 stage has been ignited. जी हाँ, एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया होती है क्रायो। चंद्रमा के साउथ पोल पे जाकर के ये चंद्रयान 3 उतरेगा और इसका आज दिखाने का मुख्य पर्पज यही है कि ये एक स्वदेशी निर्मित चंद्रयान 3 है और दूसरा मुख्य बिंदु यह है कि इस चंद्रयान 3 दुनिया का पहला ऐसा सॉफ्ट लैंडिंग होगा जो कि नया इतिहास रचेगा अगर ये 23 अगस्त 2023 को सफलतापूर्वक लैंड करता है। धन्यवाद। इट्स रियली प्राउड मोमेंट फॉर इंडिया, प्राउड मोमेंट फॉर अवर साइंटिस्ट। वी आर रियली प्राउड ऑफ अवर साइंटिस्ट इसरो, न जाने और कितने चमत्कार दिखा चुका है, दिखा रहा है और आने वाले समय में कितने चमत्कार दिखाएगा। सब जान ही रहे हैं कि इसमें जो चंद्रयान 3 आज लॉन्च किया गया है वो एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन के बाद शायद अगस्त के एंड में जाके लैंड करेगा। तो इस बीच में हम सब लोग दुआ करेंगे कि ये सक्सेसफुल लॉन्चिंग हो और भारत का जो है जो होम मेड है, भारत में निर्मित जिसको हम कहें वो पूरा का पूरा मॉड्यूल है इसका और जो स्पेसिफिकेशंस है वो मतलब पूरा डेवलपमेंट इंडिया का है। तो ये हमारे लिए एक बहुत गर्व की बात है और हमारे जो इसरो के वैज्ञानिक हैं उन लोगों को मैं तीर्थंकर भावी यूनिवर्सिटी की तरफ से और स्पेशली क्योंकि इंजीनियरिंग का पार्ट ज़्यादा होता है इसमें तो स्पेशली इंजीनियरिंग कॉलेज या फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग की तरफ से मैं बधाई प्रेषित करना चाहता हूँ कि हमारा देश को उन्होंने मान बढ़ाया है और हम उम्मीद करते हैं और बल्कि उम्मीद नहीं करते, हमें पूरा विश्वास है जिस तरीके से हमारा देश आगे बढ़ रहा है इन सब चीजों में। तो हम विश्व गुरु थे और काफी बड़े चांसेस में हम आगे बढ़ भी रहे हैं उस दिशा में। हमारे वैज्ञानिकों को बधाई कि निश्चित तौर पे ऐसी चीजें हमें और देखने को मिलेंगी। थैंक यू वेरी मच। दिस चंद्रयान 3 सक्सेस रेशियो इज ऑलमोस्ट सिक्योर। डियर फ्रेंड्स, एज आवर वर्दी कलीग Dr. M.P. Singh, Dean Student Welfare, Dr. Ramesh Sharma, Sir Jain has praised this development because of this indigenous nature of Swadeshi. We have to achieve more. Although we are doing well in computer science and information technology, but still we are far, far away that we have our own operating system, we have our own servers, we have our own browsers, we are still taking services and we are counted as a labor class who always seeks H-1 visa for United States and other countries. This space technology has done a lot. This our inner soul that everything can't, we cannot, we won't be hiring, we are creating.